नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। चलिए अब रुख कर लेते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मसूरी के छावनी क्षेत्र के लंडौर जंक्शन बनाने का कार्य जो है वो शुरू किया जा रहा है, साथ ही पार्किंग के निर्माण को लेकर भी अधिकारियों को निरीक्षण दिया जा रहा है और लंडौर छावनी को देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल हिल स्टेशन बनाने के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही मल्टी लेवल पार्किंग भी यहां पर बनाई जाएगी। सीईओ अभिषेक राठौर ने बताया कि लंडौर छावनी क्षेत्र पर्यटन के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। छावनी परिषद ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और हम लोग एक बहुत अच्छे प्लान पे काम कर रहे हैं। वो प्लान ये है कि हम प्रयास ये कर रहे हैं, छावनी परिषद द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि लंडौर कैंट को हिंदुस्तान का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली हिल स्टेशन बनाने का हमारा प्रयास है। बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज़ को प्रेजेंटेशन के लिए भी बुलाया गया था कि किस तरीके से इस स्लोप पे, इस टर्निंग रेडियस पे कैसे ये एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। उसके लिए लगभग 2 कंपनीज़ ने हमें प्रेजेंटेशन दिया है और इसके टेंडर पे भी विचार किया जा रहा है। दूसरा, हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि यहाँ पे मल्टी लेवल कार पार्किंग भी हम बनाएं। वहीं रुड़की में कोविड के दौरान बंद किए गए स्कूल के मेंटेनेंस फीस के लिए जाने के खिलाफ अभिभावकों में रोष है। वहीं रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से बातचीत के बाद मेंटेनेंस फीस माफ किए जाने की मांग की गई। अभिभावकों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से शिकायत की है। अभिभावकों का कहना है कि कोरोना काल के दौरान सरकार ने स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस लिए जाने के आदेश जारी किए थे। फीस ले रहे हैं जैसे 9,700, ये पूरे क्या कर, पूरे साल को डिवाइडेशन कर लिया। स्कूल खुले हैं फरवरी में, ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने के मेंटेनेंस फीस ले रहे हैं। किस बात की ले रहे हैं? ये देखिए ना, ये आप ऐप खोलो और आपका जियो भी आ चुका है कि कोई भी सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, कोई भी ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस नहीं लेगा। दिक्कत जो प्राइवेट स्कूल है पहले से अपनी मनमानी करते आ रहे हैं, कोरोना की आड़ में ये स्कूल सेंटेंस जो स्कूल है ये बच्चों को मेंटली टॉर्चर करके बिल्डिंग फीस वसूल रहे हैं, कई बात कर रहे हैं, और पूरे साल की जो बिल्डिंग फीस बैठती है वो 4 महीने में डिवाइड करके ले रहे हैं पूरे साल की, और बता रहे क्या है कि हम 4 महीने की ले रहे हैं, जो कि पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अच्छा जी, और इन्होंने क्या करा, बच्चों को एग्ज़ाम देने से रोकने की बात, धमकी दे दी बच्चों को कि जिन बच्चों के मेंटेनेंस चार्ज जमा नहीं होंगे उनकी हम जो है स्कूल में एग्ज़ाम नहीं लेने दिए जाएंगे। कैसे नहीं लेने दिए जाएंगे? प्रिंसिपल मैडम एक बच्चे को रोक कर देखे, स्कूल का ताला डलवाने का काम हमारा रहेगा। फिर उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की ओर से ऋषिकेश के जयराम आश्रम में एक दिवसीय संस्कृत गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में संस्कृत अकादमी के अपर सचिव, संयुक्त सचिव सहित तमाम पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में जयराम आश्रम के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। एक दिवसीय आयोजित संस्कृत गोष्ठी कार्यक्रम में संस्कृत के संरक्षण और उत्थान को लेकर विचार किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों संख्या में संस्कृत के छात्रों और योग के छात्रों ने हिस्सा लिया। उत्तराखंड द्वारा आज जयराम आश्रम ऋषिकेश में संस्कृत भाषा के प्रचार विस्तार के लिए संगोष्ठी है। इसमें सभी संस्कृत अकादमी के पदाधिकारी, संस्कृत विभाग के सभी पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं, विभिन्न संस्थाओं के प्रधानाचार्य भी यहाँ आए हुए हैं। संस्कृत भाषा गंगा की तरह पवित्र है, जिस तरह से गंगा बहती है इसी से संस्कृत भाषा पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में बहती है। इससे हमें संस्कार मिलते हैं, संस्कृति मिलती है। इसके विकास के लिए संस्कृत अकादमी पूरे हिंदुस्तान में अपनी तरफ से एक अभियान चलाए हुए है। छोटे बच्चों से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चों को किस तरह से संस्कृत भाषा बोलनी चाहिए, किस तरह से भाषा आनी चाहिए, संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है। क्योंकि हमारा बजट कम रहता है और कार्यक्रम ज़्यादा हैं तो उसी के अंदर हमको कार्यक्रम करने पड़ते हैं। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए मुख्य चीज़ क्या है, जो हमारी छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं, चाहे बाबू की हो, चाहे बड़े अधिकारियों की हो, चाहे लोक सेवायोग की हो, उसमें इसका एक पेपर रखा जाए। अगर इसका पेपर रखा जाएगा तो इसका निश्चित रूप से प्रचार प्रसार होगा, बढ़ावा होगा, संस्कृत भाषा को लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। और संस्कृति, संस्कृत अपने ही आप में एक बहुत अच्छी भाषा भी है, तो इसलिए 14 फरवरी को विधानसभा मतदान के बाद प्रत्याशी हार जीत के गुणा भाग के आंकड़ों के जोड़ तोड़ में लग चुके हैं। नरेंद्र नगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ओम गोपाल रावत ने नरेंद्र नगर, दुआधार, आगरा खाल, खाड़ी, गजा, चाका,
लसेर मरोड़ा के क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं और कार्यकर्ताओं से मिलकर फीडबैक लिया। कांग्रेस प्रत्याशी ओम गोपाल रावत ने कहा कि नरेंद्रनगर विधानसभा से उनकी जीत पक्की है और प्रदेश में बीजेपी की विदाई तय है। वहीं बाजपुर के केलाखेड़ा थाने में तैनात पुलिसकर्मी पर स्वैप कारोबारी ने अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि स्क्रैप कारोबारी ने अवैध वसूली का ये गंभीर आरोप लगाया है। अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए कारोबारी ने बताया कि पुलिसकर्मी उसके गोदाम पर आया और 20,000 रुपए की मांग करने लगा। बाद में कारोबारी के पैसे देने से इनकार करने पर पुलिस ने उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे डाली। इसी के साथ पुलिस वाले ने कारोबारी के साथ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। फिलहाल पूरे मामले में पीड़ित कारोबारी न्याय की गुहार लगा रहा है। पुलिस को 5,000 रुपये महीना देते हैं स्क्रैप का। उसके बाद आज वो आए थे अपने इरशादुल्ला खान, वो आए थे करीब 12:30 बजे। इरशादुल्ला कौन है? ये कोस्टे वाले किलाखेड़ा थाने से साहब। इसमें आने के बाद इन्होंने धमकाया, 20,000 की डिमांड करी, मैंने इनकार कर दिया। ये 5 बजे का टाइम दे के गए हैं, बोले 5 बजे तक अगर तू थाने नहीं मिला तो हम तुझे फर्जी मुकदमे जाके जेल भेज देंगे। अब इनकी शिकायत मैं कप्तान साहब को और DIG साहब को करूँगा। वहीं रुड़की रामनगर स्थित नर्सिंग होम पर एम्बुलेंस चालकों ने साथी चालक के साथ हुई मारपीट को लेकर हंगामा किया। रामनगर में एक नर्सिंग होम में एम्बुलेंस चालकों की ओर से डॉक्टर के खिलाफ मुर्देबाद के नारे लगाए गए। एम्बुलेंस चालकों का आरोप है कि उनके साथी के साथ डॉक्टर की तरफ से मारपीट की गई है, जबकि हम लोगों की सेवा करते हैं। वहीं एम्बुलेंस चालक ने नर्सिंग होम को लेकर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह बिल्डिंग निवास के लिए बनाई गई थी, ना कि नर्सिंग होम खोलने के लिए। परसों शाम के टाइम हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर को पीटा है, रात को दारू के नशे में, खुद डॉक्टर था, और इल्जाम लगा रहे कि वो एम्बुलेंस वाले ने दारू पी, यहाँ पे सिगरेट भी है और यहाँ पे लड़कियों को हत्या कर, जबकि ऐसा नहीं है। मेडिकल भी कराया था उसने, उसने लड़के ने अपना एल्कोहल का मेडिकल भी कराया है, जो कि तहरीर के साथ कोतवाली गंगनहर में हम दे चुके हैं। अब हमें आश्वासन दिया है कि हम वो मुकदमा जो है दर्ज कर रहे हैं। तो आज सर अभी हमने यहाँ पे ये इसलिए प्रदर्शन किया है कि ये जो डॉक्टर है इसने यहाँ पे ये मकान रहने के लिए बनाया था, ना कि हॉस्पिटल बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पे अस्पताल अवेलेबल करने के लिए यहाँ पे परमिशन नहीं है, ना तो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई पार्किंग है, ना बैठने की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, ना स्कूटर मोटरसाइकिल खड़ी करने की सुविधा है। और दूसरी बात, जो जिस डॉक्टर ने हमारे साथ मारपीट की है, हमारे साथी के साथ मारपीट की है, हम ये चाहते हैं कि अब इसकी डिग्री भी चेक हो। हरिद्वार के क्षेत्र रोहलकी किशनपुर गांव में लगे ट्रांसफार्मर के चोरी होने की घटना जो है वो सामने आई है। गांव में लगे ट्रांसफार्मर को अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले भी कई ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके हैं। अगर इस क्षेत्र में पुलिस की गश्त बढ़ा दी जाए तो इन चोरियों की वारदातों को रोका जा सकता है। ये आज यहाँ 250 किलोवाट का ट्रांसफार्मर था, रोहलकी गाँव के रोड पर रखा है, मेन रोड पर, और वो रात चोरों ने, अज्ञात चोर थे कुछ, उन्होंने चोरी कर लिया। एक तारीख को, इसी महीने की 1 तारीख को दूसरे कॉर्नर पे रोड पे ट्रांसफार्मर रखा था, वो चोरी हो गया। पिछले 4-5 दिन पहले 3 सागौन के लगभग 3 लाख रुपए कीमत के पेड़ चोरी हो गए। 250 किलोवाट के ट्रांसफार्मर थे दोनों। इससे पहले भी चोरी हुए रोड पर ही, रात को 2-3 बजे लगभग चोरी करते हैं, उस समय लोग का गमन रहता नहीं। तो मेरा तो यही निवेदन है भाई, कानून व्यवस्था कुछ ढीली चली, अगर रात को गश्त लगे तो ये चोरियां बंद होंगी और लोग जितने त्रस्त हो रहे। वहीं चंपावत के रीठा साहब थाना क्षेत्र में पत्थर डूंगा के पास बारातियों से भरी बुलेरो मैक्स अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर पड़ी। इस दौरान गाड़ी में 13 सवारियां मौजूद थी। जैसे ही इस मामले की जानकारी पुलिस को हुई, रीठा साहब थाना पुलिस रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया, जिसमें 11 सवारियों की मौत की खबर मिली है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां पर पुलिस और एसओजी की टीम ने एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 800 ग्राम चरस को बरामद किया गया है। बता दें कि आरोपी के खिलाफ पुलिस ने NDPS की धारा में मुकदमा पंजीकृत कराया और आरोपी को न्यायालय में पेश करने के लिए भेजा है।
पौड़ी में कोटद्वार गुमखाल मार्ग पर फतेहपुर के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गई। इस घटना में कार सवार 3 कोटद्वार निवासियों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे को लेकर जानकारी दी गई कि कार में सवार सभी शिक्षक थे और रोजाना इस समय मार्ग पर वो आवाजाही करते थे। फिलहाल सूचना के आधार पर पूरे मामले में पुलिस जुट चुकी है। देखिए, अभी जो हमको अभी तक मेरी जो संज्ञान में आया है वो ये आया है कि कुल 5 लोग ऐसा हुआ है जिसमें कि 3 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग जख्मी हैं। दोनों जख्मी अस्पताल में आ चुके हैं, इमरजेंसी में उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और जो स्पेशलिस्ट सर्जन्स हैं, सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, सबको बुला लिया गया है, टीम को बुला लिया गया है, उनका मैनेजमेंट किया जा रहा है। जो 3 लोगों की डेथ हुई है जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको अभी हम तहकीकात कर रहे हैं कौन लोग हैं, तब हम उनके PI भेजेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट बॉडी को सीधे PM हाउस ले गए हो, तो जब तक उनके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं मिल जाती तब तक अभी हम आपको इस विषय में पूरी जानकारी नहीं दे पाएंगे कि कौन कौन लोग मरे हैं। वहीं पिथौरागढ़ के युवा अब धीरे धीरे स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों से वह न केवल सेहतमंद उत्पाद तैयार कर रहे हैं बल्कि रोजगार के अवसरों को भी बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही युवाओं में शामिल है थल क्षेत्र के मदन उपाध्याय, जो बुरांश का जूस तैयार कर युवाओं को स्वरोजगार की राह दिखा रहे हैं। युवक ने बताया कि वह जितना जूस तैयार कर रहे हैं उसकी खपत स्थानीय बाजार में ही हो रही है। जल्द ही वह अपनी इकाई का विस्तार कर उत्पादन बढ़ाने की भी योजना बना रहे हैं। इस विषय में हम आपको बताना चाहते हैं कि सहकारिता द्वारा अभी वर्तमान में, जैसे कि अभी बुरांस का सीजन चल रहा है तो बुरांस को लेकर कार्य किया जा रहा है, तो इसमें हम बुरांस का स्पेस तैयार करते हैं। जैसे 2 तरह से होता है, एक तो चीनी युक्त होता है, एक बिना चीनी का होता है, शुगर फ्री, तो जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, साथ ही एक रोजगार का, जो स्वरोजगार का एक विकल्प, अच्छा विकल्प है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।